मटका मैगी वाले की सफलता। सोहनलाल फोन पर बोलते बोलते नीचे गिर जाता है। तब उसका बेटा संदीप और छोटी बेटी शालू उसे उठाते हैं। संदीप कहता है, पिताजी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों गिर गए? फैक्ट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? आप किस बात का टेंशन ले रहे हैं? काफी देर पूछने के बाद सोहनलाल कहता है, बेटा हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए बेटा, हमारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। रातों रात वो सब अमीर से गरीब बन जाते हैं। कर्जे वाले भी आकर उनका घर जब्त कर देते हैं और वो लोग एक छोटे से घर में आकर रहने लगते हैं। उनके पास अब कमाई का कोई साधन नहीं था। तब संदीप सोचता है, पिताजी को सदमा लगा है, बहन तो छोटी है, अब मुझे ही पैसे कमाने के लिए बाहर निकलना होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहां शालू आकर अपने भाई से कहती है, भैया भैया मुझे भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। संदीप सोच में गिर जाता है, ना ही घर में खाने के लिए कोई चीजें थी और ना ही पैसे। फिर संदीप सोचता है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पकाना भी नहीं आता और वैसे घर में कोई बर्तन भी नहीं है और ना ही उनमें कोई अनाज। संदीप इस तरह से सोच रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत दुकान से एक मैगी पॉकेट लाता है और एक मटका भी खरीदता है। घर आकर वो उस मटके में मैगी बनाकर अपनी बहन को खिलाता है, अपने पिताजी को भी मटका मैगी खिलाता है और संदीप कहता है, शालू आज इस मैगी से ही पेट भर लो, कल से मैं कोई काम ढूंढता हूँ, तभी अच्छा खाना खिला सकूंगा तुम दोनों को। भैया ये मटका मैगी बहुत ही अच्छी है, पहले से भी इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। संदीप भी उस मटका मैगी से मैगी खाता है। साधारण मैगी मटके में बनने के कारण उसका स्वाद और बढ़ गया था। दूसरे दिन संदीप काम ढूंढने के लिए बहुत देर तक घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान मटके की तरफ जाता है। वो अगले दिन ही मटका मैगी का ठेला बाजार में लगाने की सोचता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहक आने लगते है। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये भी क्या बेचने की चीज है, मैगी तो कोई भी बनाकर खा सकता है, तुम्हारी मेहनत तो आज बेकार हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आदमी संदीप पर हंसने लगता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान में मटका मैगी खाने के लिए कोई नहीं आता। संदीप परेशान होकर ठेले के पास बैठ जाता है। तभी उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत ही भूखा था। तब संदीप उसे अपने पास बुलाकर कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? शायद तुम्हें भूख लगी है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मटका मैगी खिलाता हूँ। ऐसा कहकर संदीप उस बच्चे को मटका मैगी खाने के लिए देता है। उस बच्चे को मटका मैगी बहुत ही पसंद आती है। जब वहाँ उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है, तब बच्चा कहता है, माँ सुनो माँ, इस भैया ने मुझे मटका मैगी खाने के लिए दिया, माँ आप भी खाकर देखो, बहुत ही अच्छी बनाई है मटका मैगी। बच्चे की बात सुनकर उसकी माँ भी मटका मैगी खाकर देखती है। तब उसे भी वो बहुत पसंद आती है और वो कहती है, सच में ये तो घर में बनी मैगी से बहुत ही अलग है और स्वादिष्ट भी। भैया आपने मेरे बच्चे को अपनी दुकान में बुलाकर उसका ख्याल रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हाँ मुझे और एक मटका मैगी पैक करके दीजिए। संदीप उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की माँ सबको मटका मैगी के स्वाद के बारे में बताने जाती है। अब लोग धीरे धीरे उसके ठेले पर मटका मैगी खाने के लिए आते हैं। दूसरे दिन भी लोग संदीप की राह देखते ही रहते हैं। इस तरह कभी कभी तो लोगों को मटका मैगी खाने के लिए भी नहीं मिलती। धीरे धीरे संदीप अच्छे पैसे कमाने लगता है। घर में वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब तो मैं और भी मेहनत करूंगा और जो कुछ हमने गवाया था वो सब वापस कमाऊंगा। इस तरह संदीप अब दिन रात मेहनत करने लगता है और वो अपना सब कुछ धीरे धीरे वापस पा लेता है। इस तरह वो पिताजी और बहन के साथ अपने पुराने घर में ही वापस रहने के लिए जाता है और बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से बिताता है। तंदूरी पनीर सैंडविच वाले की सफलता। मनमोहन का तंदूर पनीर सैंडविच का एक होटल था। उसके सैंडविच बहुत ही फेमस थे। मनमोहन ने इस होटल से खूब पैसे कमाए थे। उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसका खुद का घर था, बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी सिवाय दुश्मनों की। उसके पास के होटल का मालिक मदन उससे बहुत जलता था। एक दिन वो कहता है, ये दूसरे गांव से आया हुआ मनमोहन
एक दुकान से ही इतना बड़ा बन गया और मैं अभी भी वही का वही हूँ। बड़ा घर बना लिया, बेटे को कॉलेज में शहर पढ़ा रहा है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मदन जलन की वजह से ऐसा सोचने लगता है। वो मनमोहन से चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका दोस्त बन जाता है और एक दिन मौका देखकर उसे एक शराब की दुकान में ले जाता है। तब मनमोहन कहता है, अरे मदन, मुझे शराब का शौक नहीं है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाता और वैसे भी इसके फायदे कम और नुकसान ही ज्यादा है। अरे मेरे दोस्त, थोड़ी सी पीने में कोई बुरी बात नहीं है, इसे पीकर तुम्हें बुरा नहीं बल्कि अच्छा महसूस होगा। ऐसा कहकर मदन उसे जबरदस्ती से शराब पिलाता है। मदन ने पहले ही मनमोहन के तंदूरी पनीर सैंडविच होटल के कागज बना लिए और जैसे ही उसे ज्यादा शराब चढ़ गई तब मदन उन कागजों पर उसकी साइन ले लेता है। मदन बहुत खुश हो जाता है। मनमोहन शराब के नशे में गाड़ी चलाते घर आते रहता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। तब उसकी पत्नी मीरा कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जी, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। मीरा उसे तसल्ली देती है। एक्सीडेंट की वजह से मनमोहन बुरी तरह से घायल हो चुका था। पूरे एक महीने उसे अस्पताल में ही रहना पड़ता है। उसके इलाज का खर्चा भी बहुत था। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो जब घर आता है तब कहता है, अरे मीरा, ये किसका घर है? हम यहाँ क्यों आए? ये सब क्या हो रहा है मीरा? आपके इलाज के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, उधर बेटे को भी तो फीस की जरूरत थी और आप ऐसे, फिर मैं क्या करती? मुझे उस वक्त जो उचित लगा बस मैंने वो किया। और हमारा होटल कहाँ है? अब तो वो हमारा नहीं रहा, आपके अस्पताल जाते ही मदन ने उस पर कब्जा कर लिया। मीरा की बातों से मनमोहन बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा नहीं बल्कि हम सबका गुनहगार हूँ। उस दिन मदन ने ही मुझे शराब पिलाई और उसी ने ये सब किया। मैं उस मदन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मीरा। मनमोहन ऐसा कहते हुए गुस्से से होटल चला जाता है। लेकिन अब वो होटल उसका नहीं था बल्कि मदन ने उसे शराब की दुकान में बदल दिया था। तब मनमोहन मदन से कहता है, मदन, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे शराब पिलाकर तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ भी खोया है मैं फिर से उसे वापस हासिल करूंगा। देखना, तुम्हारी ये शराब की दुकान बंद करके ही रहूंगा मैं। हाँ चल जा बे जा, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अगर हिम्मत है ना तो अपने आप को वापिस खड़ा करके दिखा, आया बड़ा। मदन उसकी धमकी को नजरअंदाज करके उसे धक्का देते हुए दुकान से निकाल देता है। मनमोहन बहुत दुखी हो गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अपनी पत्नी मीरा के साथ फिर से अपना तंदूरी पनीर सैंडविच का ठेला खोलने की सोचता है। तब उसकी पत्नी कहती है, देखना जी, फिर से वही भीड़ जमा होगी, हमारा व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगेगा और हम अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। उस दिन सच में तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए भीड़ जमा हो गई। तब एक आदमी उसे कहता है, अरे मनमोहन, तुम नहीं थे तो हम सब ने तुम्हारे तंदूरी पनीर सैंडविच को बहुत मिस किया यार। तुम्हारे जैसा तंदूरी पनीर सैंडविच यहाँ कोई नहीं बनाता। वाह, मजा आ गया दोस्त, इतने दिनों के बाद आखिर तंदूरी पनीर सैंडविच खाने के लिए मिल ही गया। इस तरह से हर कोई मनमोहन के सैंडविच की तारीफ करने लगते हैं। उसका व्यापार फिर से तेजी से बढ़ने लगता है। उधर मदन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाता। मनमोहन के पास वापस पैसे आने लगते हैं। अब वो मदन के शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा निकालता है। शराब की दुकान बंद हो इसलिए दूर दूर तक जाकर वो अर्जी करता है और आखिरकार सरकार मदन की शराब की दुकान बंद करने की ऑर्डर देते हैं। तब मनमोहन खुद वो दुकान खरीदता है और मदन से कहता है, देखा मदन, मैंने कहा था ना कि मैं मेरा सब कुछ वापिस हासिल कर लूंगा और तुम्हारी ये दुकान बंद कर दूंगा। आज मैंने वो कर दिखाया, आप क्या कहोगे? मदन मनमोहन को वापिस कोई जवाब नहीं देता और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर कहीं और बस जाता है।